बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सा, आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। टिकटॉकर ज़ुल्करनैन सिकंदर और कंवल आफ्ताब जो बड़ी मशहूर जोड़ी है टिकटॉक पे, और ना सिर्फ ये टिकटॉक बनाते हैं बल्कि ज़ुल्करनैन सिकंदर का डेली बेसिस पे व्लॉग भी आता है, जो कि एक फैमिली व्लॉग होता है और उनकी पूरे दिन की रूटीन जो है वो उसमें अपनी दिखा रहे होते हैं। तो जो कमल आफ्ताब है वो टिकटॉक पे उसके बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग उसकी ज़ुल्करनैन से भी कहीं ज़्यादा है, और जन्नत मिर्ज़ा के बाद शायद फीमेल में उनकी जो ये फैन फॉलोइंग है वो ज़्यादा है। इस हवाले से भोला रिकॉर्ड जो है उसने कुछ चीज़ें हैं ज़ुल्करनैन सिकंदर और कमल आफ्ताब के बारे में अपने एक पॉडकास्ट में बताई हैं। बकायदा जो है ज़ुल्करनैन सिकंदर को गाली गलोच किया गया, और वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में पहले ये मैं आपसे शेयर करती हूँ। ਮੈਂ ਜਾਟਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਚੌਧਰੀ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਦਾ ਕਹਿ ਰੁਕੋ ਬੋਲੋ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਰੇ ਜੋ ਕਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹ ਹੋ ਜੇ ਦੇ ਲੱਗ ਕਰੀ ਲਾਇ ਲਾਇ ਲੈ ਲਾ ਮੋਥੜੇ ਲਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ 5-6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਰ 10 ਲੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਗਏ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਰੁਲਦਾ ਫੂਦ ਤੇ ਨਰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਜਰ ਕਰਾਂ ਕਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਦਾ ਨਾਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਨਾਨੀ ਕੈਮਰੇ ਚ ਨਚਾਂਦਾ ਉਹ ਹਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੱਤ ਹੁੰਦਾ। याद रख ला अपनी जिंदगी, तू भी खानदार घर का बंदा ना जरा बंदा सुबह लै पै शाम तक जनानी बहाना ना ला 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 मुझे तेरे पत्री मुंडे दिना मैं वेख लो मनु चंगे नहीं लगते जेरे बंदे अपनी जनानी कैमरे से आते होंगे ने उन्होंने जारी गैरत मर गई होंगी। मैं जिंदगी बड़ा बड़ा घूमना अपनी बीवी बच्चा लैके जाना वा मैं मुँह मास्टर बीवी बच्चे मुमने से गया मैं पता लग टेंशन हो गई मेरी जिंदगी हूँ औखी होगी कला नहीं चंगे भी मिलते माड़े भी मिलते ने लुड़वादा भी मारते पर की करिए मजबूरी फैन लड़ना नहीं पैदा किन्ने बजे लड़ांगा किन्ने बजे परचा करांगे कोई गल नहीं। जब गुजरात कोड़ा ज़ुल्करनैन जब दुनानी कमाई खाते दुनानी कमाई खाते जरा बंदा दुनानी का कैमरे चाहते ना मेनू नफरत उन्होंने गाला कट जी। तो नाजरीन ये भोला रिकॉर्ड जिसका अपना रिकॉर्ड भी सबको पता है कि किस तरह का है और इनकी वीडियोस कैसी आती हैं मुख्तलिफ ख़वातीन के साथ वो भी सब देखते हैं, और इसके साथ साथ इन पे जो मुकदमात वगैरह दर्ज हुए थे वो भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल फिर रहा काफ़ी अरसा। फिर कुछ इनके ऊपर ख़वातीन की तरफ से मुबैना ज़्यादती के इल्ज़ामात लगाए गए और बकायदा उसके मुकदमात भी दर्ज हुए। तो सो ये बकायदा मैंने आपको सुनवाया इसलिए कि बीप लगाई गई है कि ये गालम गलोच कर रहे हैं टिकटॉकर ज़ुल्करनैन सिकंदर को, और कमल आफ्ताब के बारे में वो कह रहे हैं कि वो हीरा मंडी की रहने वाली हैं। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या इस तरह की बातें किसी के बारे में भी करना, देखें कोई भी व्लॉग बना रहा है या जो भी कर रहा है वो किसी का अपना फेल है, लेकिन क्या किसी को इस तरीके की गालम गलोच खुलम खुला आके करना, आपने ज़रूर बताना है इस हवाले से कि क्या ये ठीक है या गलत है। क्योंकि भोला रिकॉर्ड के हवाले से अगर बात की जाए तो इनकी मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं, जब मैंने ये इनका बिलखसूस पॉडकास्ट में सुना है तो उसके बाद मैंने फिर इनका आईडी वगैरह चेक किया है, तो ये मुख्तलिफ जो टिकटॉकर हैं या फेमस जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं जैसे कि एक नदीम नानी वाला है या इसी तरह डक्की भाई है या और भी टिकटॉकर्स हैं, तो उनके साथ ये इस तरह के मैसेजेस उनको देना और इस तरह की ये गालम गलोच करना ये शायद इनकी रूटीन है, और ये शायद इनका पब्लिसिटी स्टंट है या कि फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन इनकी इस तरह की बहुत सारी वीडियोस एंटी बनी हुई हैं, लेकिन फीमेल को इस तरीके से इस तरह की बातें करना और सरेआम गाली गलोच करना ये कोई अच्छी बात नहीं है, और फिर बिलखसूस ज़ुल्करनैन को तो वो यहाँ तक के माँ बहनों की गालियाँ दे रहे हैं इस पॉडकास्ट के अंदर कि ज़ुल्करनैन जो है वो अपनी बीवी को सामने दिखा कर जिस तरीके से पैसा कमा रहा है, और ये एक काफ़ी अरसे से हमारे यहाँ इस तरह की ये चीज़ें चल रही हैं कि लोग अपने जो व्लॉग्स वगैरह हैं वो वॉशरूम से शुरू कर रहे हैं सुबह के टाइम,
के नहा के कोई बाहर निकल रहा है, वहां से व्लॉग शुरू हो रहा है और फिर एक-एक चीज जो है उस व्लॉग में दिखाई जाती है, जो कि शायद देखने वाले को शर्म आ जाए लेकिन बनाने वालों को नहीं आता है। सो इसी तरह पहले वो निम्रा और असद थे, वो भी फैमिली व्लॉगिंग करते थे। फिर असद सामने आया, उसने कहा कि जी मैं तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ चीजें सुनी हैं, मैं उन पे अमल करना चाहता हूँ, सो मैं अपनी बीवी को व्लॉगिंग में नहीं लेके आऊंगा। तो इसी तरह ये बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ इस बेस पे फेमस हुए हैं कि वो टिकटॉकर पहले होते हैं, एक टिकटॉकर कपल होता है जोड़ी, फिर वो शादी करते हैं, इसी में वो इतने फेमस हो जाते हैं कि मिलियंस में उनके फॉलोवर्स हो जाते हैं। जैसे कि अब ये जुल्करनैन है या कंवल आफ्ताब है, तो इनकी इतनी फैन फॉलोइंग पहले नहीं थी, लेकिन जब इन्होंने शादी की है और उसके डिफरेंट इवेंट्स रखे और जाहिर है ये अपनी एक एक चीज को कैश करते हैं, तो फिर फैन फॉलोइंग जो है वो इनकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ख्वातीन को व्लॉगिंग में लाना या चीजें दिखाना या जो भी हो रहा है वो अपनी जगह पे एक है, लेकिन इस तरीके से माँ बहनों की गालियां और ये सारा कुछ इस पे सोशल मीडिया के ऊपर आके करना, ये भी कोई, क्योंकि भोला रिकॉर्ड जो है इनकी भी मैंने काफी वीडियोस देखे हैं, ये जो ख्वातीन के साथ हरकत कर रहे हैं खुद उन वीडियोस के अंदर, तो क्या वो जायज है? सब कुछ पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि किसी और को वो कह रहे हैं जी कि मैं नहीं दिखाता हूँ अपनी फैमिली में वीडियोस में या व्लॉगिंग में या बाकी चीजों में मैं नहीं दिखाता हूँ, लेकिन जिस किस्म की ख्वातीन के साथ और जिस किस्म की वर्गैलिटी वाली इन्होंने वीडियोस बना रखी हैं, जो कि सोशल मीडिया पे ये डालते भी हैं, वीडियो बना के अपलोड करते हैं, तो क्या वो सारी चीजें जायज हैं? और ये जो गालम गलोच दूसरों को की जा रही है कि वो व्लॉगिंग करते हैं या इस तरीके से, और ये इसके साथ साथ जो जहां तक जुल्करनैन की और कंवल आफ्ताब की बात है, तो इनके ऊपर पहले भी इस तरह की काफी बातें की गई थी, जैसे कि आजकल रजब फैमिली एक व्लॉग बना रही है, वो लोग भी अपनी फैमिली को व्लॉगिंग में लेके आते हैं और लोग बकायदा उनके खिलाफ भी आके फैमिली बिजनेस के हवाले से कमेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं और इस तरीके से कर रहे होते हैं। ये जुल्करनैन सिकंदर जो है, पता नहीं उसको इन माँ बहन की गालियों का कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोग ये सारी पॉडकास्ट देख रहे हैं जिसमें न्यू जनरेशन भी है, यंग जनरेशन भी है, तो उनके जहनों पे इन बातों का, इस तरह की लैंग्वेज का क्या असर होगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। सो मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।